हेलो गाइस, तो आप इन चीज़ों को देख रहे हो, ये है वाइन गिलास जो कि वाइन पीने के काम में आती है। तो इससे केवल हम वाइन ही नहीं पी सकते हैं बल्कि इन गिलासों से हम एक म्यूज़िक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो कि भला इन कांच गिलास से हम किस तरह से म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको वो यही बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने इन गिलासों के अंदर पानी भर दिया है, इस गिलास को हमने बिल्कुल खाली छोड़ा है, इसमें थोड़ा पानी है, फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा करते हुए हमने इस गिलास को यहाँ तक पूरा पानी से भर दिया है। तो अब देखो, मैं अपनी उंगली को इस गिलास के अंदर डालता हूँ और अब इस गीली उंगली को इस गिलास के ऊपर घुमाता हूँ। देखो, आपको आवाज़ आ रही है? देखो, आवाज़ आ रही है ना, क्योंकि मैं उंगली घुमा रहा हूँ तो ये गिलास वाइब्रेट कर रही है और उस वाइब्रेशन के कारण इसमें आवाज़ आ रही है। अब इस पे ट्राई करते हैं, इस वाले गिलास पे। देखा, इसमें भी आपको आवाज़ आ रही होगी। अब इस पे थोड़ा ट्राई करते हैं क्योंकि ये पूरी भरी हुई है। देखो, इसमें भी आवाज़ आ रही है, लेकिन थोड़ी जो आवाज़ हम कहते हैं मोटी होती है वो आवाज़ आ रही है। इसमें थोड़ी ठीक आवाज़ आ रही थी, इस वाली के अंदर ट्राई करते हैं। पहले उंगली को एक बार गीली कर लेता हूँ। देखा, आवाज़ आ रही है। इसकी आवाज़ थोड़ी बारीक आ रही है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर पानी थोड़ा सा कम है। जैसे जैसे हम पानी को ज़्यादा भरते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, मतलब इसकी आवाज़ मोटी होती जाती है, तो इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है। देखो, आ रही है ना आवाज़। अब इसमें ट्राई करते हैं। देखो, इसमें पानी कम है इसलिए इसकी आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा आ रही है। अब इस खाली के अंदर ट्राई करते हैं, इसके अंदर आवाज़ आती है या नहीं। तो देखो, खाली के अंदर भी आ रही है। मैंने सोचा था पानी जिसके अंदर भरा हुआ उसी में से आवाज़ आएगी, लेकिन ये जो खाली गिलास है इसके अंदर भी आवाज़ आ रही है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, हमने तो ये बिल्कुल थोड़ा सा करके देखा है क्योंकि हम इसके प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस गिलासों से म्यूज़िक क्रिएट करने के प्रोफेशनल होते हैं। तो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आप देखना कि एक बंदा किस तरह से इन गिलासों से म्यूज़िक क्रिएट करता है। आपने देख लिया होगा उस बंदे ने इन गिलासों से कितना शानदार म्यूजिक क्रिएट किया था। हम तो इसके प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ कैसे पता चली थी तो मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताया जाए। तो हम इसे वाइन गिलास के साथ ट्राई कर सकते हैं, पता नहीं कि जो नॉर्मल कांच गिलास होती है उसके साथ हम ट्राई कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर लेकिन अगर आपके पास घर में ये वाइन गिलास है तो आप इस चीज़ को ज़रूर घर पर ट्राई करके देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और जो लाल बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके पास में जो घंटे उसको दबा देना, जहाँ पर कॉल लिखा हुआ है उस जगह पर क्लिक कर देना, ताकि हमारी जो नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाएगी।